नमस्कार, और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पेज, और मैं खड़ा हूं इस समय राजघाट के पुल पे। आपको बता दें कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही वो जगह है जहां पे दो हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और यहां पे दो हेलीकॉप्टर उतारे जाएंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का आवरण करेंगे 16 तारीख को। और आपको बता दें कि वह मूर्ति लगभग 63 फुट लंबी और उसकी लागत 57 करोड़ रुपए है। और आपको बता दें कि वहाँ पे रात दिन काम चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा वह उद्घाटन होना है। और आपके बता दें कि आज से यह जो क्षेत्र है एसपीजी के हाथों सौंप दी गई है और आला अधिकारी दिन रात वहाँ पे अपनी दौड़ भाग कर प्रधानमंत्री के काशी आगमन की तैयारियां जोरों पर। काशी वासियों को देंगे करोड़ों की सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16 फरवरी को काशी आगमन के मद्देनजर एसपीजी बनारस पहुंचकर आला अधिकारियों ने कार्यस्थल व प्रस्तावित रूटों का निरीक्षण किया। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ एसपीजी की टीम प्रशासनिक अधिकारी व आयोजक के साथ बैठक कर सुरक्षा की रूपरेखा तय की गई। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर ब्रिज तथा पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 63 फुट ऊंची प्रतिमा का 16 फरवरी को अनावरण किया जाएगा। यह कार्यस्थल वाराणसी और चंदौली जिले की सीमा पर स्थित पड़ाव इलाके में स्थापित है। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची पंच धातु की प्रतिमा वाराणसी में स्थापित कर दी गई है। लगभग 57 करोड़ की लागत से बनी आदमकद प्रतिमा गन्ना शोध संस्थान की जमीन पर बन रहे संग्रहालय के गोल तालाब के बीच स्थापित हुई है, जिसका अनावरण 16 फरवरी को प्रधानमंत्री काशी में करेंगे। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट। और आपको ये भी मैं बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे चारों तरफ बल्लियों से बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी अराजक तत्व अंदर न प्रवेश कर पाए। आप देखते रहिए रिपोर्टर्स पेज। नमस्कार।